तो दोस्तों आज हम पूछने जा रहे ग्रैनी से कि तुझे किससे शादी करनी है, तू किससे शादी करना चाहती है, हमें बता तू किससे शादी करना चाहती है। भैया पहली बात तो वो कोई से भी शादी ना करना चाहे, और इस गधी से शादी करे वो कौन साला गधेड़ी दिखती है, एकदम सुअर जैसे खड़ी इस गधी की, फिर भी हम तेरी शादी करवाएंगे ग्रैनी। ओ ग्रैनी गधी आ जा, अबे नीचे खड़ा है रे आ जा रही। अरे ग्रैनी, ओ ग्रैनी, ओए ओ वाओ, ओ ग्रैनी अबे हम तेरी शादी करवाने आए हैं, तू बता दे को किसे शादी करनी है, टेक्नो गेमर से, टेलीमिनाटी से, मिडपैट से, टिकट इंसान से, बता तू किसे प्यार करती है, तू किसे शादी करना चाहती है। अरे बेटा मैं वहाँ से शादी करना चाहूँ ऋतिक रोशन से, अरे रुक जा बेटा मैं डंडा मारना चाहूँ तेरे, अरे बेटा मेरे यही काम से सुबह शाम डंडा मारूँ मैं सबके सर पे, बट मैं ऋतिक रोशन से शादी करूंगी, अरे ऋतिक रोशन को बुला ला बेटा, अरे रुक जा बेटा डंडा मारूंगी बेटा, रुक जा डंडा मारूंगी, अरे डंडा मारूंगी बेटा, अरे बेटा रुक जा, अबे देखो साला ऋतिक रोशन से शादी करनी है साला गाला डंडा और मारेगी साला, तेरा बाप लगता है ऋतिक रोशन, तेरी शक्ल देख गधेड़ी कुत्ती, और देखो साला ऋतिक रोशन से शादी करनी है साले, तेरे दो छापड़ मारूंगा साला, ट्रिगर इंसान से शादी कर ले, वो वहां से गधा दिखता है सुअर है वो भी देर दरा, लेकिन उससे शादी कर ले, छोटा मोटा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर गांव के पास 10-20 मिलियन सब्सक्राइबर है, और तू आज शादी कर ले सारा तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी ग्रैनी, अरे सुन रही है ना ग्रैनी, ओ ग्रैनी, अरे बेटा बेटा मैं टिकट इंसान से शादी ना करूंगा गधा दिखे, मैं को वहां से करनी है मिडपैट से। अबे ग्रैनी मिडपैट की शादी तो हो चुकी है उर्मिला से, वो तो हमने गाय से ही नाम रखा दिया था, अरे फिर भी तक अगर मिडपैट से शादी करनी है तो वो तेरी तरह लंबा चौड़ा है और वो भी गधा ही तेरी तरह, उसकी भी सूरज शक्ल है, उससे शादी कर ले तू, हमको कोई दिक्कत ना है, तू कर ले शादी, शादी कर ले, लेकिन साला रुक तो जा डंडा काहे को मारने आ रही है, रुक जा। अरे बेटे डंडा मारने दे, अरे बहुत दिनों से डंडा में मैंने कोई को मारो ना से, खून बहुत से सूख गया है मेरे डंडा का, मैं डंडा मार के खून खून लाल करूंगी अपना, रुक जा बेटा डंडा खा ले बेटा बेटा, अरे बेटा रुक जा बेटा, मिडपैट से शादी ना कराएगी कोई बात नहीं, डंडा खा ले खा लिए बेटा, खा मजा बेटा 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 लल्ला लल्ला लल्ली बेटा, साली तू हमको कितना बुरा तड़ लेकिन दोस्तों हम इसकी शादी करवा के मानेंगे आज, इसकी शादी सेट करा देंगे हम, चल बता दे ग्रैनी तो कौन से शादी करनी है, हम तेरी तेरी मर्जी के मालिक है, तू बता मुझे जो से शादी करनी है वहां से ना कराएंगे हम, उसी से कराएंगे जिससे हम कराना चाहे, साला तेरे को ऋतिक रोशन से शादी करनी है साला, उसकी शक्ल देख हीरो हीरो और तेरी शक्ल देख जीरो जीरो, साला दो झापड़ मार के तेरे गाल का तंबाकू निकाल दूंगा मुंह से बाहर, बिल्कुल सही बोल रहा, बिल्कुल सही, साला ग्रैनी अपनी शक्ल देख गधेड़ी तेरी शक्ल, फिर भी तेरे को साला ऋतिक रोशन चाहिए, यार तू किसी को किसी और को बोलते कहते कि मुझे कोई गधा चाहिए मुझे कुत्ता चाहिए शादी करा देते, लेकिन साला तेरे को ऋतिक रोशन चाहिए, तेरे ऐसे झापड़ मारूंगा घोड़ी तेरे गाल लाल लाल करके तेरे गाल को काले कर दूंगा। अरे बेटा जब से देखे जा रही हूँ साला गाली बके जा रहा है मेरे को, तेरी माँ ने देखो लखन ना सिखाया बेटा, बेटा रुक तो सही डंडा और मारना था मैंने, मैं डंडा मारना तेरे, तेरे को आज समझाऊंगी साला, देखो मेरी मेरी बेइज्जती करे जा रहा है जैसे साला डंडा खा ले बेटा, रुक जा बेटा, अरे बेटा रुक जा साला मेरे घर काहे को तोड़ रहा है बेटा, अरे बेटा रुक जा, अरे देखो तेरी माँ की कसम बेटा, अरे बेटा रुक जा, अरे रुक जा बेटा। ग्रैनी हम नहीं रुकेंगे, तू बस ये बता तेरे को शादी किससे करनी है। ग्रैनी मेरी माँ ने तो तू कैलीमिनाटी से शादी कर ले, वहाँ की शक्ल ठीक ठाक है और वहाँ बड़ी आदमी से देखो खुश रखेगा वहाँ, अरे अरे हम जा रहे हैं खुश रखेगा साली, इतने तेज आए को भाग के आ रही है रे। अरे बेटा देखो शर्म नहीं है एक बार कभी कैलीमिनाटी शादी करने की बात कर रहा है साला, वो कितनी गाली बके साला मेरी माँ बहन कर दे आते हैं डंडा खा साले बेटे, साला कैलीमिनाटी शादी मत करवा दो अगली बार, बात ही मत कर दो कैलीमिनाटी की साला, कैलीमिनाटी गाली बकता रहे साला, साला खड़वा दो बेटा घर बैठ बेटा, बेटा कहाँ है बेटा नीचे आ जा बेटा मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा, अरे बेटा जग गया बेटा आ जा बेटा। दोस्तों 3 दिन तो हो गए, ये पता नहीं कब शादी के लिहाज करेगी, इसकी शादी करवाएं और हमारा मिशन कंप्लीट हो, जो हमने बात करी वो कंप्लीट हो, लेकिन ये गधेड़ी तो दोस्तों शादी करने से पहले डंडा मार रही है, हर बात पे डंडा मार रही है। ग्रैनी मेरी माँ मेरी बात सुन, मैं तेरी चलो उससे करा देता हूँ यार शादी, अब उससे करा देता हूँ यार। अरे किससे करा देता है बेटा, रुक जा बेटा डंडा एक और बार मार लेंगे, बस दो बार डंडा मार दूं तेरे, फिर तू मुझे सही से बता दो मेरे को किससे शादी करनी चाहिए, मैं दो बार डंडा और खा ले बेटा, 5 दिन हो जाएंगे फिर मैं तेरे को बताऊंगी।
शादी करूंगी। साले खिलाड़ी तेरे को समझ ना आवे तो शादी करना चाहो टिकट इंसान से कर ले बे। उसका साला 10 मिलियन से कई बार है। तू कुछ समझे कि ना समझे साला कि टिकट इंसान से कर ले मैं गधे जैसी शक्ल दिखे बाकी तेरी और बाकी शक्ल से मैं साले समझे काहे को ना तू। अरे खिलाड़ी हाथ मार रही है बेटा। अरे मेरी बात तो सुन ले साले यहां पर खड़ा हूं मैं। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के तेरे को एक ही बात समझा रहा हूं टिकट इंसान से शादी कर ले टिकट इंसान से शादी कर ले। वो तो खुश रखेगा और बाकी शक्ल भी खराब है तेरी भी खराब है दोनों की मैच भी करे। बेटा तू ये कह रहा है कि 10 20 मिलियन सब काए भरे। बेटा तेरा कितना है? मुझे लगे तेरे भी ज्यादा ही होगा। ग्रैनी मेरे भी 4 5000 सब्सक्राइबर है। क्या बात है बेटा 4 5000 मिलियन सब्सक्राइबर। तू तो बड़ा ही शानदार निकला बेटा। मैं तो देखो गधा समझी तू तो सेन निकला बेटा। मेरे को लव यू बेटा लव यू। मैं तेरे से शादी करूंगी बेटा। बेटा किधर है एक बटन ना खाली बेटा। अब एक ग्रैनी भैया के 4 5000 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है सिर्फ 4 5000 सब्सक्राइबर ही है। तू आंखों इतना भी मान मत समझ। अगर आज हम साले 4 5000 मिलियन पे होते ना तेरे साथ वीडियो ना बनाता। हम आलिया भट्ट दीपक कप दीपक पादुकोण के साथ बनाता। अरे साले अंडा मार दिया रे। अरे साला तेरी शादी कैसे कराएं रे मोटी। अरे कदड़ी तेरी शादी होगी कैसे अगर तू मेरे अंडा मारती रहेगी तो। दोस्तों ग्रैनी का दिमाग खराब हो चुका है। ये हमारी प्यार सी बात मान नहीं रही है। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं इसको शादी के लिए कन्विंस करते हैं कि तुम्हें शादी क्यों करनी चाहिए। देख ग्रैनी शादी करने के बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले तो तेरे एक नया पति मिलेगा न्यू ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया मतलब ताजा ताजा पति मिलेगा। फिर वो तेरे लिए दोस्तों मतलब तेरे लिए क्या करेगा ग्रैनी वो तेरे को फूल लेके आएगा। वो तेरे लिए खाना बनाएगा वो झाड़ू पोछा करेगा वो बच्चे पैदा करेगा वो सब कुछ करेगा। और तू 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 हमको डंडा मारेगी। साली डंडा मारता रहे हमको साला बार बार साला हम शादी करवाना चाहे आखिरी दिन बचा है साला इसके बाद मर जाएंगे हम। देख ग्रैनी हम देखो प्यार से समझा रहे आखिरी बार। देख तेरे को कोई ना पसंद तो भैया से शादी कर ले। वैसे भी एको कोई लड़की ना मिलेगी तेरे साथ ही सही है यार। तू डंडा मारती रहेगी और मैं हंसता रहूंगा। तो तू एक डंडा मार भैया के मैं हंसता रहूंगा। मने मजा आवेगा तने मजा आवेगा और भैया रोएगा मने और मजा आवेगा। अरे भैया कर ले शादी डरे मत। अरे जल्द से काय करेगी डंडा मारेगी। वैसे भी मम्मी मारे तेरे या भी मारेगी सेम टू सेम। अरे बिल्कुल बेटा मैं तेरे से शादी करना चाहूं तो मेरे को कोई ना पसंद ट्रिगर इंसान के लिए मिनाटी कुछ वाले यानी वो टेक्नो के हमारे। और मुझे मिट पेट कोई ना पसंद तेरे से शादी करूंगी बेटा। बेटा एक बार और डंडा खा ले बस। बेटा एक बार और डंडा खा ले फिर मैं तैयारी हो जाऊंगी बेटा। बेटा एक डंडा खा ले बेटा। अरे रुक जा बेटा इस उम्र में चलो ना जाए घुटना रुक है बेटा रुक जा बेटा। अरे बेटा कहाँ जा रहा है बेटा रुक जा। अरे अपनी अपनी दादी से ना शादी करेगा बेटा। अरे ग्रैनी तेरी दादी हूँ मैं। अरे मेरे से शादी कर ले बेटा। अरे आखिरी बार डंडा खा ले बस एक बार डंडा खा ले बेटा। अरे बेटा दोस्तों मुझे लगता है ग्रैनी शादी के लिए मान गई है। मेरे से शादी करना चाहती मैं भी तैयार हूँ। अब मैं ग्रैनी का हो गया हूँ दोस्तों। ग्रैनी मैं तेरा तू मेरी अब हम शादी करते हैं चलो। तो फाइनली ग्रैनी और भैया की शादी तय हो गई है। उसके 5 साल बाद यानी शादी के 5 साल बाद भैया की क्या हालत होती है आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर ग्रैनी और भैया खड़े बहुत ही रोमांटिक मौसम चल रहा है। भैया और ग्रैनी साथ साथ खड़े क्या कर रहे हैं दोनों? बेटा तू रहे मेरे से शादी करके एकदम सही करा। अब मैं तेरे को मार के देखो खा जाऊंगी। अच्छा नीचे देख यहाँ से मार के देखो खाऊंगी। अच्छा बेटा शादी कर ले और कर ले शादी साले ले थप्पड़ साले कुत्ते मेरे से शादी करेगा। नो बाबा नो।